दोस्तों ये है लावा का लॉर्ड ऑफ 5G और ये फोन भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का है और ये फोन दोस्तों आप सब लोग को अंडर 10K में आप लोगों को मिल जाएगा भाई। तो आइए ना आज इस वीडियो में करते हैं इस वाले फोन का अनबॉक्सिंग और आप सभी लोग को बताते हैं भाई इस वाले फोन में आप सब लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिल जाता है और अब तक का भाई सबसे सस्ता लॉर्ड ऑफ 5G आप लोगों को देखने को मिल जाता है ये लावा का ब्लेज 2 5G फोन। तो आइए भाई करते हैं इस वाले फोन की अनबॉक्सिंग और मैं आप सभी लोगों को इस लावा ब्लेज 2 5G के बारे में सारे कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना भाई और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। तो आइए करते हैं भाई इस वाले फोन की अनबॉक्सिंग और मैं आप लोगों को बताता हूं इस फोन के बारे में और भी बहुत सारे चीजें। तो दोस्तों ये है लावा ब्लेज 2 5G फोन और ये फोन दोस्तों अभी आप सभी लोग को अंडर 10K में देखने को मिल जाता है। तो आप भी कोई 5G फोन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं भाई तो इस वाले फोन को भाई कंप्लीट देख लेना कैसा है आप लोगों के लिए फोन, ये सारे कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ठीक है। अभी दोस्तों अपने पास है ये वाला फोन 4GB प्लस 4GB रैम के साथ में 64GB स्टोरेज के साथ में भाई। यहाँ पे दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में फ्री सर्विस एट होम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है भाई। पीछे के साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन के बारे में बहुत सारे हाईलाइट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस वाले फोन में भाई आप सब लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा है भाई और यहाँ पे आप सभी लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और यहाँ पे इस वाले फोन में 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। 18 वाट का चार्जर है भाई, 5000 mAh का पावरफुल बैटरी है और इसके साथ साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है भाई और यहाँ पे क्लीन एंड्रॉइड 13 OS देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप सभी लोग को 1 साल का भाई एंड्रॉइड अपडेट भी देखने को मिल जाएगा अपग्रेड टू एंड्रॉइड 14 तक ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले करते हैं इस वाले बॉक्स के अनबॉक्सिंग। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हैशटैग प्राउडली इंडियन है तो भाई हमें गर्व है कि ये एक इंडियन ब्रांड का फोन है भाई। तो चलिए इस वाले फोन को करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पे एक स्टिकर है, इस स्टिकर को यहाँ पे हमें निकालना होगा। ये खुल चुका है और ये खुल चुका है इधर से। ओके भाई यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के साइड में एक इस टाइप से बॉक्स देखने को मिल जाता है और इस वाले बॉक्स में भाई यहाँ पे बॉक्स के नीचे एक कवर देखने को मिल जाता है ठीक है। तो ये रहा कवर भाई कुछ इस टाइप से। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ट्रांसपेरेंट मैट डिजाइन में ये कवर देखने को मिल जाता है। कुछ टाइम बाद तो ये कवर पीला पड़ जाएगा बट कोई नहीं, आप लोगों को फोन के साथ में ये कवर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा राउंडेड यहाँ पे आप लोगों को एक कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है फोन के साथ में, कवर देखने के बाद पता चलता ही है ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक लावा का सर्विस प्रॉमिस वाला कार्ड देखने को मिल जाता है। बाय द वे आप सब लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम होता है फोन में तो अभी ना आप सब लोगों को स्मार्टफोन में होम सर्विस भी देखने को मिल जाता है। ये रहा लावा का प्रॉमिस कार्ड ठीक है। अब ये रहा दोस्तों बॉक्स के नीचे फोन, ये रहा भाई इस टाइप से पैकेजिंग में है और देख लेते हैं क्या क्या चीजें मिल जाता है हमें। तो ये है दोस्तों USB A1 टाइप सी केबल भाई, इसका क्वालिटी तो भाई अच्छा है और इसके साथ यहाँ पे एक एडाप्टर भी देखने को मिल जाता है बॉक्स में ही और ये एडाप्टर दोस्तों फोन के साथ में 18 वाट का चार्जर आप लोगों को देखने को मिल जाता है भाई, इसका भी आप लोगों को चार्जिंग अच्छा से देखने को मिलने वाला है। अब इसके साथ यहाँ पे एक सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है और ये भाई सिम इंजेक्टर टूल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स में आप सभी लोगों को बाकी सारे चीजें देखने को मिल जाता है, एडाप्टर है, चार्जर है, इसके साथ यहाँ पे आप लोगों को कवर भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आप सभी लोगों को एक सर्विस वाला कार्ड भी देखने को मिल जाता है ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये है फोन कुछ इस टाइप के पैकेजिंग के साथ में। तो चलो भाई यहाँ पे इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास भाई ये वाला है फोन ब्लैक कलर में, ये देख सकते हैं भाई बहुत ही डिफरेंट टाइप का फोन है ये और यहाँ पे देख सकते हैं लावा का 5G का ब्रांडिंग और इस फोन में भाई यहाँ पे कैमरा सेटअप आप सभी लोग को एक डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है और यहाँ पे आप लोग को एक रिंग लाइट भी मिल जाता है दोस्तों बैक साइड में भी और यहाँ पे आप लोग को 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है दोस्तों ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट भी है इस वाले फोन में, वॉल्यूम अप डाउन बटन यहाँ पे मिल जाता है, ऊपर के साइड में कुछ भी नहीं है भाई। और यहाँ पे दोस्तों इस फोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है, 2 SIM कार्ड लगा सकते हैं दोस्तों, एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं स्टोरेज के लिए और इस वाले फोन में UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है भाई। और यहाँ पे नीचे के साइड में बॉटम में आप लोगों को 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है और यहाँ पे एक माइक्रोफोन के लिए ग्रिल है भाई और इसके साथ यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और इसके साथ यहाँ पे स्पीकर्स ग्रिल है। तो चलो भाई अब इस वाले फोन को करते हैं ओपन। तो ये देख सकते हैं दोस्तों फोन भी ओपन हो चुका है, यहाँ पे फर्स्ट लोगो आ चुका है लावा का पावर बैट एंड्रॉइड और इस वाले फोन में एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोन भी ओपन हो चुका है और इस वाले फोन में आप सब लोगों को 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है भाई।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सब लोगों को कुछ इस टाइप से फोन का होम मेन्यू देखने को मिल जाता है भाई। यहाँ पे दोस्तों पूरा ही क्लीन एंड्रॉइड सेटअप देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड वर्जन 13 है इस वाले फोन में। और भाई इस वाले फोन में कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है फालतू के, बाकी इस वाले फोन को आप पूरे कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं भाई। यहाँ पे आप सभी लोगों को इस वाले फोन में भाई काफी सारे चीजें देखने को मिल जाते हैं। इस वाले फोन में आप 4GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं रैम। यहाँ पे आप लोग को वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से अपने अनुसार इसको आप सेट कर सकते हो भाई। अभी के लिए यहाँ पे 4GB वर्चुअल रैम एक्टिवेट है भाई। और इसके साथ इस वाले फोन में एंड्रॉइड वर्जन 13 देखने को मिल जाता है, और इस वाले फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 सीपीयू देखने को मिल जाता है भाई, जो पावरफुल प्रोसेसर है इस वाले फोन में। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है इस वाले फोन में। यहाँ पे आप लोगों को रिंग लाइट भी देखने को मिल जाता है, तो इस वाले रिंग लाइट को यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हैं भाई चार्जिंग के लिए। और भी बहुत सारी चीजें में आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कॉल करता है कोई तो कॉल में भी ये वाला रिंग लाइट ऑन हो जाता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका बैक साइड में ग्लास डिजाइन के साथ में यहाँ पे आप लोग को एक रिंग लाइट भी देखने को मिल जाता है, और ये रिंग लाइट भाई बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का है भाई। और यहाँ पे आप लोग को प्रीमियम ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसमें यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे इस वाले फोन में 90Hz हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो काफी ज्यादा स्मूथ है। और यहाँ पे दोस्तों 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है। कैमरा में यहाँ पे आप लोग को नाइट मोड देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे 1080p पिक्सल पे कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ यहाँ पे आप लोग को फिल्म शूटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है दोस्तों कैमरा में। इसके साथ यहाँ पे ब्यूटी प्लस का भी ऑप्शन है। मोर में आप यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग को प्रो मोड भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। प्रॉपर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा काम करता है भाई। तो ये देख सकते हो दोस्तों इस वाले फोन का पिक्चर क्वालिटी डिटेलिंग भाई बहुत ही ज्यादा शानदार है इस वाले फोन में। कलर बैलेंस भी अच्छा सा है, और यहाँ पे आप लोगों को एडिटिंग भी करने को ऑप्शन मिल जाता है यहीं से ही, तो आप इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी इंटरनेट का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो आप विदाउट इंटरनेट यूज किए भी यहाँ पे फोटो एडिट कर सकते हैं भाई। इसके साथ यहाँ पे आप लोगों को और भी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाते हैं, तो आप कमेंट करके बता देना अगर आपको इस फोन का डिटेल में कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना भाई। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अभी मैं सोच रहा हूँ इस वाले फोन को गिव अवे करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।